गुड मॉर्निंग आप सबको। आज हम पढ़ेंगे कक्षा वन की पाठ्य पुस्तक से रिमझिम पाठ पाठ पाँच पकौड़ी। आप सबने तो खाया ही होगा नहीं पकौड़ी, जानते हो ना उसे तेल में बनाया जाता है पकौड़ी को। तो आज हम पकौड़ी के बारे में जानेंगे और ये पकौड़ी का पोएम है, ये पकौड़ी की कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप सभी पढ़िए। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ में उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। तो चलिए मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, कह रहा है पकौड़ी कैसे आ रही है, वो दौड़ दौड़ के आ रही है। और छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। और वो तेल में कैसे नाच रही है, वो तेल में छुन 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 करके नाच रही है और वो प्लेट में आने से शर्मा रही है। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, और कवि कह रहा है और पकौड़ी कैसे आई, दौड़ी दौड़ी पकौड़ी प्लेट में आई, हाथ से उछली मुंह में पहुंची। हाथ से उछलकर कैसे पहुंची, कहाँ पहुंची, हाथ से उछलकर वो मुंह में पहुंची। आप लोग देख रहे हो ना, दो बच्चे प्लेट में उन्हों पकौड़ी खा रहे हैं ना, देखो लड़के के हाथ से कैसे फिसल गई, कैसे उछली ना वो और वो मुंह में पहुंच गई। पेट में जा घबराई पकौड़ी, वो उछलकर उसके मुंह में चली गई और मुंह में जाते समय वो जो पकौड़ी घबरा गई। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी पकौड़ी आ गई, मेरे मन को भाई पकौड़ी। और उसके मन को भाई पकौड़ी, उसे बहुत अच्छा लगा पकौड़ी। वो कवि कह रहा है कि उसे बहुत अच्छा लगा पकौड़ी, पकौड़ी उसे बहुत पसंद आई। तो बच्चों कैसी लगी आप सबको ये, आप सब भी घर में अच्छे से पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।